जय माता दी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुख वैभव का दास भी बन जाऊं, मैं तो मांगू शरण तुम्हारी, मैं बेटा तू है महतारी। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। हम अजीत आनंद आप सबन के सेवा में हाजिर बानी गोड़ लागतानी, और हम छवि पांडे आज नवमी के दिन सभी दर्शक लोग को प्रणाम करतानी गोड़ लागतानी। नवरात्रि की आज नवमी तिथि, मतलब कि सिद्धिदात्री माई के पूजा होला और नौ गो कन्या के भोजन भी करावल जाला ताकि सब मनोकामना पूर्ण हो जाए। वाह, तो इस संकल्प के और ई जन पहले से जो प्रथा चलत आ रहा बटे करे के, तो एक हमनियों को कोशिश करें सा, और आप लोग के भी घर में आयोजन ऐसा बाटे कि नौ कन्या के आज भोजन करावे के बा, तो चलिए माई के आराधना कर जाओ और कार्यक्रम के अपना थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ावल जाओ। छवि, तुम नहीं चलोगे मेरे साथ घूमने? अरे जगह जगह पंडाल लगा है, माता का दर्शन करने चलो। देखो, दो तीन जगह हमारा तारा साथे चले के मन, एक तो थावे धाम जो मंदिर बटे, अच्छा, दूसर आमी, तीसर बात कलकत्ता के काली माई, हाँ। और चौटका बाटे वहाँ असम में गुवाहाटी में। अब बात से पलटी है मत, पलटा चले के पड़ी। हाँ हाँ हाँ, चलल जाई माई के दर्शन कई जाए, लेकिन सबसे पहले सेहत, और सेहत सुधारे खातिर कई जाओ योग। नमस्कार, नया दिन नया जोश के साथ लेके लाने बहने बहने आपसे भी लोगों के लिए बहने बहने करे रहो रहे आजीवन निरोग।
आज हम आपके बताए अनिद्रा जैसी समस्या कैसे योग के द्वारा आप दूर कर सके। अनिद्रा में का देखल गल है कि एंसोमीनिया यानी आपके नींद ना आवेला, पूरी पूरी रात आप जागे ना आपकी नींद ना आवेला। कैसे योग करल जाए, कैसे श्वास थेरेपी करल जाए जैसे आपको जो समस्या जड़ से दूर हो जाए। देखिए नींद के दो कारण होला, कई बार देखल गया कि मानसिक कारण जरूर होला। भाई आप तनाव हमेशा तनाव में रहते हुआ आपके लगत है कि हमके टारगेट मिलल है। अगर आप भी जो है आपके श्वास थेरेपी बतावत हैं, कुछ योग बतावत हैं, अगर आप निरंतर अभ्यास करें तो आप देखें काफ़ी हद तक समस्या धीरे धीरे कम हो जाए। योग को कुछ ध्यान बतावत हैं, कुछ मुद्रा बतावत हैं, इमन का करल जाला। ये कला योग में नासिका ग्रह दृष्टि मुद्रा, नासिका ग्रह दृष्टि मुद्रा कैसे करल जाला। पद्मासन सुखासन में स्थित हो जाएं, आपके दोनों हाथ जो रही हैं ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान यानी अंगूठा और तर्जनी परस्पर आपस में मिलल है, वो कहलाला योग में ज्ञान मुद्रा। उकरे बाद हम कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और हम अपने नाक के ये वाले जोन भाग कि निरंतर लगातार हमके देखे गया। रवा देखिए कैसे करल जाला, हम यहाँ देखत हैं और ये जोन भाग है नासिका ग्रह दृष्टि मुद्रा। अगर आप रोज कम से कम 5 मिनट एकर अभ्यास करी हैं तो चित्त की चंचलता दूर हो, जिनके नींद नाला वो दूर हो, समस्या दूर हो जाए। उकरे अलावा एकाग्रता बढ़ी, तनाव कम हो जाए, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाए। जब आपके लगत है आपकी आँख थक गल, आपकी आँख बंद करे के है, कुछ देर आँख के आराम दे के है, दोनों हाथ के रब करिए, फुल फुल गर्म करिए, उकरे बाद अपने आँख के ऊपर रख दिए। तो ये हम आपको बताऊँ योग के मुद्रा। उकरे अलावा आपके बताओ थे भ्रामरी प्राणायाम, ऐसन प्राणायाम जिमन भवरे के गुंजन जैसे आप गुंजन करिए, भवरा गुंजन करें ना, आप देख लें कई बार भवरा गुंजन करें, उसी तरह से आप जो नहीं प्राणायाम अभ्यास करिए, सेम विधि से आप गुंजन करिए। इमन करे के कहा देखिए जरा, हम पहले आपके बतौले हैं जब भी आप प्राणायाम करें तो ज्ञान मुद्रा हम बतौले हैं पहले भी, ये कहलाला ज्ञान मुद्रा, ये कहलाला चांद मुद्रा, जैसे आपके कम्फर्टेबल हो। तो आई करें जरा भ्रामरी प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरनी नाक से और मुंह से, हालांकि हम नाक से श्वास छोड़ते हैं लेकिन मुंह से गुंजन भवरे की गुंजन जैसे आवाज करें। रघुआ देखिए कैसे करल जाला, एक बार और देखिए, भ्रामरी प्राणायाम होला कम से कम एकर अभ्यास 5 मिनट तक जरूर एकर अभ्यास करे के चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम 8 साल से लेके 80 साल का व्यक्ति एकर अभ्यास कर सकेला। कोई व्यक्ति हार्ट कटबल हो, मानसिक अवसाद हो, कोनो प्रॉब्लम भी हो, एकर अभ्यास जरूर कर सके ना। भ्रामरी प्राणायाम में कोनो सावधानी ना रखे के है, अगर आपके लगत हो रोज रात में आप सुतते से पहले अगर एकर अभ्यास कर ली हैं तो आपके बहुत साउंड स्लीप आई। उसके अलावा हम आपके कुछ खान पान का और तरीका बता दें। ये तो जो अभ्यास आप कर लिए हैं, श्वास थेरेपी भी कर लिए हैं, योग भी कर लिए हैं, खान पान का हम क्या बताऊँ तो आपके क्या करे के चाहिए। जिनके नींद का समस्या है उनके रोज रात ही कोशिश करे के चाहिए जो रात का भोजन होला वो बहुत हल्का लें, एक तो बात हो गई, और सोए से कम 2 घंटे पहले अपना भोजन ले लें। तो हम आपके टोटल बताऊंगी किस प्रकार से अनिद्रा यानी एंसोमीनिया रोग के आप योग के द्वारा, खान पान के द्वारा और श्वास थेरेपी के द्वारा आप जड़ से दूर कर सकें। अगले प्रोग्राम में हम किसी और विषय के बारे में आपके बताएं, उससे पहले हम आपसे एक बार फिर कहें कि आजीवन बिहाने बिहाने करें योग और आजीवन रहें निरोग। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात हुई, तब तक आप सभी हमके इजाजत दें, आप सभी लोगों के बाद बहुत बहुत नमस्कार। योग संपन्न हो गए, योग केला के बाद दर्शक लो अब थोड़ा सा हमने के फिर भक्ति में माहौल में आई जाओ। हाँ। और छवि जी से पूछल जाओ कि आज के विशेष व्यवस्था में का कैल बा बताओ। आज के विशेष व्यवस्था में विशेष दिन पर हम एगो एकदम विशेष कलाकार के बुलावले बानी। तो प्लीज नाम बताया जाए उनका। उनकर नाम बा हिमानी कपूर। ओ हिमानी कपूर। हाँ। जे लगावे ले बहुत बढ़िया सुर। मैया जी के नाम का जयकारा बोलो।
को बोलो, शाम को बोलो, जब भी मुँह खोलो, माँ शेरो वाली, माँ जोता वाली, झोली भर देती, सब दुख हर लेती। जय माता दी। दर्शक लो, वैसे तो बिहाने बिहाने में हर रोज के रंग बा वो अलग अलग होला, लेकिन आजकल बिहाने बिहाने का रंग भक्ति में रंग बाटे, और भक्ति में रंग में आज आप सबके सराबोर करे खातिर हमने के बीच में आयल बनी हमने की अतिथि हिमानी कपूर जी, चली मिलकर स्वागत करतनी और जय माता दी। जय माता दी, प्रणाम। कैसे बानी रहुआ? बहुत खूब, बहुत अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगी हमका भोजपुरी ना आवेला। जी मैं आपको समझ जरूर सकती हूँ, पर मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ भोजपुरी बोलने में। इतनी क्या, मैंने बस यही लाइन सीखी है भोजपुरी में, हमका भोजपुरी ना आवेला। कहां से आपका, कहां से लगाव रहा? मेरा जन्म है फरीदाबाद हरियाणा का। अच्छा अच्छा। और वही मैं पली बड़ी हूँ, वही मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। अच्छा, और अच्छा। अब मैं पिछले 7 साल से बॉम्बे रह रही हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो आप तो यहाँ बिहाने बिहान में पहली बार आई हैं, और वो भी इतने शुभ दिन में आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी है, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि नवरात्र में इतना स्पेशल कार्यक्रम आप कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि हर रोज कोई ना कोई नए कलाकार आ रहे हैं यहाँ पर। मेरा सौभाग्य ये है कि आपने मुझे नवमी के दिन बुलाया। हिमानी जी, आपने बताया कि म्यूजिक की शिक्षा जो है वो फरीदाबाद वहीं से हुई, तो क्या क्या अभी तक कहाँ तक विधिवत आपने शिक्षा ली? शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया, पहले लाइट ही सीखती थी, फिर हुआ कि रुचि शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ती गई, तो अलाहाबाद प्राग संगीत समिति से मैंने विशारद की है शास्त्रीय संगीत में। अच्छा। वाजी, वाजी। पर उसके बावजूद भी चालू है, मतलब अभी भी सीख रही हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि विशारद कर लिया तो अब बस। तो घर के लोग कितना सपोर्ट किया आपके, मम्मी पापा? और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होते हुए इतना सपोर्ट मिला है फैमिली से नहीं, पूरे खानदान से सपोर्ट मिला है। मेरी माँ को गाने का बहुत शौक है। अच्छा, शुभ नाम क्या हुआ उनका? मिसेस सविता कपूर। अच्छा, तो वो भी गाती है। जी, उनको गाने का बहुत, असल में क्या है कि तब उनके जनरेशन के टाइम पे, मतलब मेरे नानानी ने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना वो कर सकते थे किया। तो कॉलेज टाइम पे मम्मी काफी फेमस थे अपने सिंगिंग के लिए। अच्छा। लेकिन उसके बाद क्योंकि इतना उनको नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा चलो मेरी बेटी आगे जरूर जाए। तो आप में वो अपना के खुद के देखत हुई है कि लगा था कि हम ही गावत नहीं, हिमानी गावत नहीं, मतलब कि उनको मम्मी गावत। हाँ, बस ऐसे ही कि हिमानी गाले मेरी जगह से ऐसा। और पापा ने एक्चुअली नोटिस किया था कि मैं
ठीक ठाक गा लेती हूँ। जब मैं टीवी पे कुछ आ रहा था उसको गुनगुना रही थी तो पापा ने सुना और कहा कि अरे ये तो अच्छा गा रही है। हिमानी जी, आपके बड़ कार्यक्रम में, टेलीविजन के कार्यक्रम में हमने के देखले बने से दर्शक लोग देखले बा, कोनो खास याद हो के कोनो खास कार्यक्रम के हमने के बीच में आप बांटी? बहुत बहुत सारी यादें भरी हुई है। कोई एक ये की सारेगामा पा में जब मैंने गाया तो मुझे सुनने के बाद आदेश श्रीवास्तव जी जो मेरे मेंटर थे उन्होंने मुझे पहला प्लेबैक का चांस दिया। जब जजेस के सामने परफॉर्म करती थी, गाती थी, तो कैसा लगता था? नर्वसनेस होता था या बहुत कॉन्फिडेंस होता था? बहुत एकदम दिल ऐसे ऐसे होता था और बट धीरे धीरे बाद में जब इम्प्रूव करते गए तो वो नर्वसनेस भी धीरे धीरे दूर होती गई। जैसे मेंटर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा प्यार किनका मिला? सबसे ज्यादा प्यार मिला हिमेश जी का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिला, क्योंकि शो खत्म हो जाने के बाद कम से कम 5-6 मूवीज में हिमेश जी ने गवाया। अच्छा, और वर्ल्ड टूर पे हम लोग गए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है गाना सुन करके। तो एक और अच्छा सा डिवोशनल सॉन्ग सुनाइए। डेफिनेटली, आप भी बहुत खूब गाती हैं, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे साथ। अरे हम लोग तो ऐसे भी झूमेंगे, जरूर 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 जी, हो जाए। आपकी एक बहुत खासियत बटे माँ की कृपा बा कि आपके चेहरा पर हमेशा मुस्कान। स्माइल भगवान के कहीं ना कहीं विशेष आशीर्वाद के वो पहचान बटे। थैंक यू। तो अभी हमने के गाना तो आप सुनाई, आपसे चर्चा भी करब सा, लेकिन छवि के इशारा भी भइल बा कि अजीत कहीं घूमे फिरे, कहीं कहीं यात्रा पर ना चला जाए। छवि, हमारे अतिथि कलाकार के साथ। हाँ तो ठीक है, चला जाए। हाँ हाँ अजीत, बिल्कुल चला जाए किसी देवी धाम के दर्शन के लिए यात्रा पर। हिमालय के हरा भरा कांगड़ा घाटी में मौजूद हो माँ
चिंतपूर्णी के सुनहरा मंदिर। चिंतपूर्णी माई के महिमा अपरंपार हो। कहल जाला की माई के यहाँ विराजे में एगो रोचक कथा हो। एक समय यहाँ एगो माई के भक्त माई दास रहत रहे, जिनकर ज्यादातर समय माँ के पूजा पाठ में ही गुजरत रहे। माँ के भक्त दूर दराज से जयकारा करत आवेला। सुनहरा छत वाला माई के ई मंदिर में प्रवेश करते एको बड़ा सा घंटा हो, जिकर आवाज तीनो दूर तक सुनाई देवेला। मंदिर के कपाट चांदी के परत से चढ़ावल गईल बा। मंदिर के अंदर माँ चिंतपूर्णी के पिंडी के दर्शन होला। दर्शन कैला के बाद उहे प्राचीन वट वृक्ष पर मौली बांध के दर्शन करेला, जहां माई अपन भक्त के दर्शन देले रहे। मन्नत पूरा भेला पर भक्त यहां आके मौली खोल लेवेले। यहां माई के बलि भी चढ़ेला। जौन भक्त बलि न देवेले उ प्रसाद स्वरूप इनकरा के यहाँ छोड़ देवेले। ये मंदिर के 51 शक्तिपीठन में गिनल जाला। कहल जाला कि यहाँ माँ के चरण गिरल रहे और ये छिन्न मस्तिका देवी के स्थान है। माँ के भक्त यहाँ माई के दरबार में आके सभी चिंता से मुक्त हो जाले। माँ चिंतपूर्णी सभी भक्त जन के कल्याण करेली। बहुत सुखद यात्रा रहल। और आज नवमी हटे, नवमी के दिन हमनी के खास अपना अतिथि के बोलेले बनी सा। यहाँ के आप लोग काफी जगह देखले बनी बहुत सारा टीवी शो में, नाम बटे हिमानी कपूर। हिमानी जी ऐसन भी हम लोग देखले बनी, बहुत सारा गाना सुनले बनी, बहुत सारा पॉप सॉन्ग भी आप गाती हैं। तो फिर पॉप सॉन्ग गाते गाते, रॉकिंग सॉन्ग गाते गाते, अचानक से डिवोशनल सॉन्ग। एक्चुअली माता रानी के प्रति आस्था शुरू से ही थी। पीछे 2004 की बात है कि कटरा वैष्णो देवी में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और JNK टूरिज्म मिलके एक डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन करते हैं। अच्छा। तो वहां पे मैं 2 साल से पार्टिसिपेट कर रही थी। पहले मैं कुछ नहीं आई, पर दूसरे साल जब एकदम डट के तैयारी करके गई, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो 1 लाख की राशि मिली, उससे भी ज्यादा क्या मिला वो था माँ का आशीर्वाद। फिर नवरात्रा में कोई एकदम एल्बम आपका आया है जी? अभी अभी 5 साल के बाद फाइनली मैंने माता रानी की भेंटों की एल्बम निकाली। शुभ नाम क्या है, टाइटल? इसका टाइटल है सिंह सवारी। बहुत बढ़िया। और दर्शक लो, हिमानी कपूर जी से आप सबन के अभी भजन के और सागर में गोता लगवाएं सब। सभी लोग प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। और आज हिमानी कपूर जी से हमने के याद बांटा तनी से यहाँ के करियर के जितना सफर बाटे, म्यूजिकल सफर जे बा, वो बारे में चर्चा हो रहा बा। और खासकर आज नवरात्रि के नौमी हटे। हाँ। और आप के बारे में हमने के पता लागल बा कि आप फिल्मन में भी बहुत गोले बने। फिल्म? हाँ, बहुत सारी फिल्मों में आपने तो गाया। कौन कौन सी फिल्में हैं वो थोड़ा सा बताइए हमसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारेगामा के दौरान मुझे पहला प्लेबैक करने का ऑफर मिला था, तो वो था फिल्म चिंगारी के लिए। अच्छा। उसके बाद दिल दिया है, आपकी खातिर, फूल एंड फाइनल, बचना है हसीनो, ओए लकी लकी ओए, ऐसी कई फिल्मों में गाने का मौका मिला। अभी आने वाली एक फिल्म है या इस साल के एंड में या फिर अगले साल रिलीज होगी, उसका नाम है शादी मुबारक। कभी एक्टिंग करने को मन किया कि नहीं, कभी हम भी एक्टिंग करते ऐसा मौका भी मिल रहा है जी? अब आए काफी चांसेस आए एक्टिंग के लिए, लेकिन सभी सीरियल्स के लिए थे। और अच्छा, मुझे अच्छा, अच्छा। सीरियल्स में ऐसा ही होता है कि हर समय एक्टिंग करते रहो, काम करते रहो, पर फिर वो म्यूजिक से ध्यान डाइवर्ट हो जाता। मेरा पहला प्यार म्यूजिक है। तो फिर अगर आपको कभी बॉलीवुड से मौका मिले कि हाँ कोई अच्छी मूवी का प्रोजेक्ट आए एक्टिंग के लिए, तो आप क्या करेंगे? अगर वो मुझे सूटेबल लगा तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी। आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और बहुत आगे बढ़े। इसी के साथ आप अपनी राशि बताइए। मेरी राशि कन्या राशि है। ओ, हिमानी कन्या के राशि ब कन्या, तो चलिए अपन अपन राशि के हिसाब से दिन भर के हाल चाल जानल जाओ आपन कार्यक्रम ग्रह गोचर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी रउआ के दिन भर के हाल चाल बतावे खातिर और सभी राशि के समस्या के समाधान बतावे खातिर। छवि, हाँ? एक लालच तारा नहीं है
बहुत बड़ा लालच बा हमरा। ओ अच्छा, ई बताओ कि हमार लालच से तहार लालच मैच करता कि नहीं, ई बताओ कि तहार लालच का बटे। पहले हम जानत जाई तहार लालच का बा। देखो भाई, सिंपल सिंपल बात बटे। हाँ? हिमानी कपूर जी इतना बढ़िया गावेली सच में, और ई बतैली कि चिंगारी में गाना भी गवले बड़ी फर्स्ट ब्रेकिंग करा मिलल चिंगारी। ठीक बा। हाँ, तो ओकर गाना हमने के सुने के चाहे हम सब। जब जब सैया दरस दिखाए है, जब जब सैया दरस दिखाए है, बाजू बंद खुल खुल जावे सैया, बाजू बंद खुल खुल जावे है, जब जब सैया दरस दिखावे, बाजू बंद खुल खुल जावे सैया, बाजू बंद खुल खुल जावे। वाह 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 जीत, क्या बात है, मेरा मन कर रहा है कि बस सुनती जाऊं और सुनती जाऊं। रियली रियली सच बोलता रूप, ये ठुमरी अंग लग रहा था मुझे जी, ये ठुमरी है, प्योर ठुमरी है। अच्छा, कौन कौन टाइप के गाना में आपके ज्यादा शौक बाटे? हाँ। ज्यादा पसंद करने की ये टाइप के गाना, ये टाइप के कम्पोजिशन बहुत अच्छा बाटे गाने में? मुझे वैसे तो बहुत सभी बहुत अच्छे लगते हैं, जॉनर सभी जॉनर्स में गाना मुझे मेरा शौक है। बाकी जो दिल को छूता है ऑब्वियसली सूफी, और गजलें मुझे बहुत शौक है गजलें गाने का। अच्छा अच्छा। और रॉक। आज हमने के चाह के भी बहुत ये बात पर दुखी बनी सके, वक्त नहीं के ज्यादा टाइम नहीं के हमने के सब कुछ सुन ली, बहुत इच्छा बाकी सूफी भी सुन ली, गजल भी सुन ली, लेकिन एक आदमी मौका मिली छवि हमने का नेक्स्ट बार का। हाँ, समझ गए नहीं इशारा। अभी हम कहा के दर्शक लोग के जेगा आप सबन के आदेश बांटे की हमने के आप सबन के हिमानी कपूर जी से भजन सुनवाई सर, तो छवि भजन खाते इनका से तय कर लगे कौन भजन सुनाई है। मिलके बोलो सच्चे दरबार की जय, और हिमानी कपूर की जय। काहे की अतिथि देव भव। हाँ। अतिथि भगवान के रूप होला, और आपसे अब एक आज खातिर एक आखिरी लालच जाते जाते एक अच्छा सा भजन जो आप लोग डिसाइड करनी है। हाँ। जी, कुछ ऐसा सुनने का मन करा जो डांडिया जैसा कुछ होना। हाँ, तो ठीक तो है। अरे भाई, ये तो मेरी एल्बम में भी है, तो मैं उसी का सुनाती हूं। हाँ, तो हो जाए। सरस्वती गौरी तू ही
क्या बात है। अच्छा, जितनी स्माइल इनके चेहरे पे है ना जी, उतने ही स्माइल इनके गीत में भी, भजन में भी झलकती है। रियली। और हिमानी जी, आप हमारे यहाँ आइए हमेशा, जब भी हम लोग यहाँ से कॉल जाता है तो प्लीज। हाँ, जरूर। माँ की खूब कृपा हो, आपकी अपनी मम्मी का खूब आशीर्वाद हो। बिल्कुल शुक्रिया। बहुत आगे बढ़े और आज आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे बुलाने काबिल समझा। हाँ तो दर्शक लोग, यहाँ की रानी हिमानी कपूर जी और हमारा आशा बा, बाकी पूरा उम्मीद बा कि रउआ लोग के यहाँ से मिलकर के बहुत बढ़िया लागल हुई। छवि, हाँ? सबके बहुत आनंद आयलू कैला से। एक चीज में और आनंद मिलेला जब तू कोनो उपयोगी टिप बतावेलू। और आज के टिब्बा, आज के टिब्बा कि किडनी स्टोन से छुटकारा पावे खातिर हर दिन तरबूज के जूस का सेवन करी, कहे कि ई उपाय करे से बहुत लाभ होला। हमने खातिर ये चिट्ठी पोस्ट कार्ड आयल बाटे। अच्छा, आपके नाम बाटे लिखतनी आपका प्रशंसक मुन्नी कांत पांडे घोष रोड वेस्ट बंगाल से। लिखतनी के आदरणीय अजीत जी और छवि पांडे जी सादर प्रणाम। रउआ के भी प्रणाम बा। आगे लिखतनी आपकी सेवा में आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल पूर्वक होंगे। मैं मुन्नी कांत पांडे आप दोनों का एक गरीब प्रशंसक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपने फोटो के ऊपर अपना ऑटोग्राफ करके हमें भेजें। अच्छा। आपका आशीर्वाद पाकर हम धन्य धन्य हो जाएंगे। आपका आशीर्वाद और प्यार पाकर के हम लोग जरूर धन्य हो जाएंगे। और साथ ही आपने जो इसमें एक शब्द लिखा है गरीब, तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रशंसक कभी भी गरीब और अमीर नहीं होता। और मुझे उम्मीद है कि आप दिल से बहुत अमीर हो। तो मुनिकांत जी, आपके चिट्ठी मिलला से हमने के बहुत खुश बानी सा और हमने के टाइम निकाल के आपके अपन फोटो भी भेजे के कोशिश करम सा और ऑटोग्राफ भी देम। हाँ अजीत, आज तो वही बना कहाँ, अरे घर ए मिल करके पूजा की तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो हम सोचले बनी के बढ़िया से जगराता कराएं, कुछ मित्र गायिका गायक लोग के बुलाओ तनी। मतलब हमरा ना बुलेबा? अरे तू तो बरले बड़ू, हम तू तो दोनों आदमी व्यवस्थापक बने। और दर्शक लोग, आपके भी घर में माँ के खूब आशीर्वाद बरसा तटे एकदम बारिश खानी, तो जाए आप लोग भी आराधना करी माई के और जोन भी मन में दुख बाटे सुख बाटे सब बांटी माई से कहीं। और काल मिले के वादा करते हुए हम अजीत आनंद और हम छवि पांडे आप लोग करते निशा प्रणाम। बिहाने बिहान